अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक लो पोली हेलीकॉप्टर का मॉडल बनाएंगे ब्लेंडर का यूज करते हुए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमारा एंड रिजल्ट कुछ इस तरह का होगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। ओके जी, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कैमरे और लाइट को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ से एडिट मोड में हम आ जाते हैं। 3 to face selection, E to extrude, इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पर मैं एक लूप कट कर लेता हूँ। अगेन कंट्रोल आर और एक लूप कट हमें यहाँ पे चाहिए। कंट्रोल आर, एक लूप कट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और उसके बाद मैं राइट क्लिक कर दूंगा इसको स्नैप करने के लिए सेंटर में। ओके जी, उसके बाद मैं एन प्रेस करता हूँ। एडिट में आता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक एड ऑन है ऑटो मिरर, तो मैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस ऑटो मिरर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट को इसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ओके जी, यहाँ पे साथ में मैं मूव टूल को भी इनेबल कर देता हूँ। तो ये 3 for face selection, इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, उसको मूव कर लेते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। E to extrude, इसे ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर लेते हैं। E to extrude, S and Z to scale along Z axis, और यहाँ से मैं इसे आगे की तरफ ऊपर लेता हूँ। S and Z। ओके जी, ये ठीक हो गया। 2 for edge selection, और यहाँ पर मैं alt प्रेस करके इस एज लूप को सेट करता हूँ, उसको मैं मूव कर लेता हूँ ऊपर। 3 for face selection, इसको मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर लेता हूँ। कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पर एक और लूप कट कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पर ठीक है। 3 for face selection, शिफ्ट प्रेस करके मेन फेसेस को सेलेक्ट करता हूँ। E to extrude, इसे यहाँ पर एक्सट्रूड कर लेते हैं। 2 for edge selection, यहाँ पर मैं इस एज को सिलेक्ट करके इसको नीचे ले जाता हूँ। शिफ्ट सिलेक्ट, इसको भी नीचे ले जाते हैं। ओके, यहाँ से इस एज को मैं ऊपर ले जाता हूँ। ओके, 3 for face selection, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट, उसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगा इसको स्नैप करने के लिए। अच्छा, आपने यहाँ पर एक बार मेक श्योर करनी है कि जब आप यहाँ पर मॉडिफाई टैब में आएंगे तो जो सा हमने मॉडिफायर अप्लाई किया था ऑटो मिरर, उसकी सेटिंग्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर मेक श्योर करना है कि जो क्लिपिंग है हमारे पास वो इनेबल ही हो, डिसेबल ना हो। तो आपने यहाँ पर क्लिपिंग को इनेबल ही रखना है। ओके जी, E to extrude, इसको मैं मूव कर देता हूँ साइड पे। ओके, आई थिंक इतना ही काफी है, इसको हम आगे ले लेते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पर मैं एक लूप कट कर लेता हूँ। 3 for face selection, E to extrude, कंट्रोल आर, एक लूप कट हमें यहाँ पे चाहिए। 2 for edge selection, इसको मैं मूव कर देता हूँ नीचे। 3 for face selection, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट और राइट क्लिक। E to extrude, इसको मैं सेट करके आगे ले जाता हूँ, इसको मैं मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा साइड पे। कंट्रोल आर, यहाँ पर हमें एक लूप कट चाहिए, तो राइट क्लिक कर दूंगा मैं इसको स्नैप करने के लिए सेंटर में। कंट्रोल आर, एक हॉरिजॉन्टल लूप हमें यहाँ पे चाहिए और इस एज को मैं ऊपर कर जाता हूँ यहाँ पे। ओके, 3 मैं प्रेस करूंगा नंबर पैड पर साइड व्यू के लिए। Alt+Z वायरफ्रेम मोड में जाने के लिए, और यहाँ से मैं वर्टेक्स सेक्शन में आ जाता हूँ। इस पोजिशन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मूव कर लेते हैं आगे। सेम इसी तरह इसको भी मैं आगे मूव कर देता हूँ, उसे थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं। Alt+Z, 3 for face selection। ओके जी, ये ठीक है। कंट्रोल आर में प्रेस करता हूँ दो बार, यहाँ पर दो लूपर्स चाहिए हमें। इस लूप को मैं सिलेक्ट करता हूँ, Alt प्रेस करके आप सिलेक्ट करेंगे तो ये कंप्लीट एज लूप आपके पास सिलेक्ट हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पर मूव कर देता हूँ। 3 for face selection, इन दो फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करके एक लूप कट कर लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पर ठीक है, इस एज को सेलेक्ट करते हैं, उसको मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। 3 for face selection, यहाँ पर आपने आई प्रेस करना है। अगेन आई प्रेस करेंगे टू इंसर्ट इंडिविजुअल फेस, और उसके बाद Alt+E, एक्सट्रूड अलॉन्ग नॉर्मल, तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना है। ओके, जब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इन फेसेस को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करके आपने यहाँ पर इन फेसेस को सिलेक्ट करते जाना है। पीछे के फेसेस को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ताकि हमने मॉडिफायर अप्लाई किया हुआ है ऑटो मिरर, तो वो खुद ब खुद ही पीछे के फेसेस भी सिलेक्ट कर चुका होगा। तो यहाँ पर मैं डिलीट प्रेस करता हूँ और यहाँ पर डिलीट फेसेस, इन फेसेस को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि साइड पीछे के फेसेस भी इसने डिलीट कर दिए। 2 for edge selection, Alt प्रेस करके मैं यहाँ पर इस एज लूप को सिलेक्ट करता हूँ।
उसके बाद मैं ई प्रेस करूंगा एक्सट्रूड करने के लिए, उसके बाद मैं राइट क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं इसे अंदर की फिर कंट्रोल जी यहाँ से मैं इसे अंदर की तरफ मूव कर लेता हूँ। ओके ये ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इन एजेस को सिलेक्ट करते हैं, यानी शिफ्ट सिलेक्ट और शिफ्ट सिलेक्ट। और मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने मेक श्योर करना है कि ये क्लिपिंग हमारे पास इनेबल ही होनी चाहिए। उसके बाद मैं ई प्रेस करता हूँ दोबारा एक्सट्रूड करने के लिए और राइट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसे आगे की तरफ मूव कर लेता हूँ। तो अगर हमारे पास क्लिपिंग इनेबल होगी तो ये यहाँ पर क्लिप हो जाएगा, अदरवाइज ये स्लाइड करके आगे चला जाएगा। ओके जी शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ पर इन फेसेस को भी सिलेक्ट, कंट्रोल जी इन एजेस को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट सिलेक्ट एंड शिफ्ट सिलेक्ट। ओके जी उसके बाद ई टू एक्सट्रूड। अब आपने क्या करना है कि दोबारा इसे मूव कर लेना आगे की तरफ। ओके जी उसके बाद आपने एफ प्रेस कर देना इनको फिल करने के लिए। ओके जी ये फिल हो चुके हैं। ये तकरीबन हमारा बेसिक मशीनरी है। आई थिंक यहाँ पर मुझे ऑटो मिरर अप्लाई कर देना चाहिए, बल्कि यहाँ पर मैं शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट डी टू एक्सट्रूड इसको मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके पीछे की तरफ, ओके कंट्रोल आर दो लोकट्स चाहिए मुझे, उनको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। ओके जी यहाँ पर इस लूप को मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसको मूव कर देते हैं नीचे, साथ में इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, उसको मूव कर लेते हैं आगे की तरफ, शिफ्ट सिलेक्ट इसको भी आगे मूव कर लेते हैं। थ्री फॉर फेस सिलेक्शन आई टू इंसर्ट और मैं बी प्रेस करता हूँ क्योंकि हमने बाउंड्री का जो एज है उसको इंसर्ट नहीं करना। एंड ई टू एक्सट्रूड इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं यहाँ तक, शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड, कर्सर को हम यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद शिफ्ट ए हमें यहाँ पर सिलेंडर चाहिए। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर क्लिपिंग को डिसेबल कर देना है, क्योंकि अगर हमने इसको मूव करना है कंट्रोल जी, अगर यहाँ पर क्लिपिंग इनेबल हो तो आप देख सकते हैं ये क्लिप कर रहे हैं दरमियान में, कंट्रोल जी तो मैं यहाँ पर क्लिपिंग को डिसेबल कर देता हूँ। आर टू टेल डाउन एक्स एक्सिस 90 डिग्री, एस टू स्केल शिफ्ट एक्स क्योंकि सॉरी शिफ्ट वाई क्योंकि हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग स्केल नहीं करना, तो इसको मैं यहाँ पर मूव कर देता हूँ। अगेन एक्स सॉरी एस टू स्केल शिफ्ट वाई। ओके जी इसको साइड में मूव कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, ओके आई थिंक यहाँ पे ठीक है। कंट्रोल आर प्रेस करके मैं यहाँ पर एक लूप कट कर देता हूँ, ऑल्ट सेलेक्ट इस लूप को मैं सेलेक्ट करूंगा, एस टू स्केल कंट्रोल आर एक लूप कट हमें यहाँ पे चाहिए, ऑल्ट सेलेक्ट एंड एस टू स्केल। थ्री फॉर फेस सिलेक्शन आई टू इंसर्ट एंड ई टू एक्सट्रूड अगेन आई टू इंसर्ट ई टू एक्सट्रूड अगेन ई टू एक्सट्रूड एस टू स्केल। ओके जी आर प्रेस करके आपने यहाँ पर इस लूप को सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पर सिलेक्ट में जाएंगे एंड चेक डिसलेक्ट ई टू एक्सट्रूड इसको आगे की तरफ एक्सट्रूड कर लेंगे, सेलेक्ट कंट्रोल और प्लस नंबर पैड पर आपने प्रेस करना है अपने सिलेक्शन को एक्सपेंड करने के लिए, तो इसको मैं मूव कर देता हूँ आगे की तरफ, ये हमारे इंचेस में बन गए। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक फेस को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मैं इस फेस को डुप्लीकेट करता हूँ शिफ्ट डी प्रेस करके, उसके बाद मैं एस एंड वाई प्रेस करता हूँ स्केल डाउन वाई एक्सिस और यहाँ पर मैं ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, इसको मूव कर लेते हैं हम आगे की तरफ। ओके ये बिंदु हमारे बन चुके, अगर आप चाहें तो उसे दोबारा स्केल कर सकते हैं थोड़ा सा। ओके जी अब हमारा जो मॉडिफायर का काम था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ, सिलेक्ट कंट्रोल सिलेक्ट सॉरी शिफ्ट सिलेक्ट इसको आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे। ओके जी अब मैं क्या करता हूँ, मैं टैप प्रेस करता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ और यहाँ से आप इस मॉडिफायर को अप्लाई कर देंगे। अब मैं दोबारा टैप प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम किसी भी फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों साइड के फेसेस को, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं सब डिवाइड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एन प्रेस करता हूँ एडिट और यहाँ पर हमारे पास एक एड ऑन होता है लूप टूल और यहाँ पर मैं सर्कल पर क्लिक कर दूंगा, एस टू स्केल इसको मूव कर लेते हैं हम यहाँ पे, ई टू एक्सट्रूड अगेन ई टू एक्सट्रूड एस टू स्केल ई टू एक्सट्रूड। ओके जी कंट्रोल प्लस नंबर पैड पर शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड, कर्सर को आपने यहाँ पर लेना है, शिफ्ट ए उसके बाद आपने यहाँ पर एक क्यूब बना लेना है, एस जी टू स्केल नाउ जी एक्स एस एक्स
एस वाई, गेन एस वाई, एस जी, कंट्रोल आर, यहाँ पर दो लूप कट्स कर लेता हूँ मैं, एस एंड जी, इनको हम जी एक्सिस के डाउन स्केल कर देते हैं। ओके जी, थ्री फॉर फेस सिलेक्शन, एल फॉर सिलेक्शन, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट, आर टू रोटेट, डाउन सी एक्सिस 90 डिग्री, यहाँ पर स्पेस को सिलेक्ट करता हूँ, इसको नीचे वो करते हैं, एंड ई टू एक्सट्रूड, ई टू एक्सट्रूड, एस टू स्केल एंड ई टू एक्सट्रूड, यहाँ पर आर्ट प्रेस करके हम इसे सिलेक्ट करते हैं, आर्ट ई एक्सट्रूड अलाउ नॉर्मल्स, ठीक है हम इसे ओके जी, सेम इसी तरह यहाँ पर शिफ्ट डी डुप्लीकेट राइट क्लिक करके इसे सबमिट कर लेना है, एंड और यहाँ पर सर्कल, एस टू स्केल, जी टू ग्रैब, शिफ्ट एक्स, हमने एक्स से के लॉन्ग ग्रैब नहीं करना, ई टू एक्सट्रूड, अगेन ई टू एक्सट्रूड, एस टू स्केल, कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल प्लस नंबर पैड पर, यहाँ पर शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, शिफ्ट ए, और यहाँ पर हमें क्यूब चाहिए, एस जी टू स्केल डाउन जी एक्स, एस एक्स, एस वाई, ओके इतनी इसकी आर एम एक्स को रोटेट कर लेते थोड़ा सा, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट, आर टू रोटेट बिलोंग एक्स एक्सिस 90 डिग्री, यहां पर मैं एक फेस को सिलेक्ट करता हूं, शिफ्ट सेलेक्ट, ई टू एक्सट्रूड, टू फॉर एक्स सिलेक्शन, इन दो एज को सिलेक्ट करके यहां पर मूव कर लेना हम, ओके ये हमारा जो हेलीकॉप्टर का मॉडल था वो रेडी हो चुका है, अब इसको कलर कर देते हैं। ओके जी, मैं यहाँ पर यूवी एडिटिंग में आ जाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक कलर पैलेट है जिसको यूज करता हूँ मैं अपने ब्लेड को कलर करूंगा, तो मैं यहाँ पर टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ, ए फॉर सिलेक्शन, अगेन ए फॉर सिलेक्शन, एस टू स्केल टू जीरो एंड इंटर, जी टू ग्रैब, यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ व्हाइट, उसके बाद यहाँ पर एल फॉर सिलेक्शन, एल फॉर सिलेक्शन, एल फॉर सिलेक्शन, जी टू ग्रैब से मैं कर देता हूँ थोड़ा सा डार्क कलर, एल फॉर सिलेक्शन एंड एल फॉर सिलेक्शन, जी टू ग्रैब, यहाँ पर इसे कलर कर लेते हैं ब्लैक। ओके जी, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके इन फेसेस को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद मैं अपने सिलेक्शन को ग्रो करने के लिए कंट्रोल और प्लस नंबर पैड पर प्रेस करूंगा, कंट्रोल एंड प्लस, यहाँ पर मैनुअली सेलेक्ट कर लेते हैं, जी टू ग्रैब, कलर में से कर देता हूँ ब्लू, उसके बाद एल फॉर सिलेक्शन एंड जी टू ग्रैब से भी कलर हम ब्लू कर देते हैं, ऑल्ट सिलेक्ट, ऑल्ट सिलेक्ट, शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट, सॉरी कंट्रोल जी, शिफ्ट ऑल्ट एंड शिफ्ट ऑल्ट, जी टू ग्रैब, कलर इसे भी ब्राउनी, शिफ्ट सेलेक्ट, और उसके बाद कंट्रोल प्लस नंबर पर सिलेक्शन को ग्रो करने के लिए एंड जी टू ग्रैब। ओके जी, यहाँ पर मैं स्टैंड इसका बना लेता हूँ, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट, राइट क्लिक करके इसे सबडिवाइड कर लेते हैं एन, और यहाँ से एडिट लूप टूल सर्कल, एस टू स्केल, इसको मूव कर लेते हैं यहाँ पे, अगेन एस टू स्केल, ई टू एक्सट्रूड, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर का जो स्टैंड होता है हमारे पास वो भी मॉडल कर सकते हैं, तो वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप खुद से मॉडल कर लीजिएगा। बस आज की वीडियो यहीं तक की थी, हमारी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।